नमस्कार, मैं आशा सिंह आपका अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज आपको मैं चने के दाल से स्टक पराठा कैसे बनता है उसे मैं बता के आपको दिखाऊंगी। चने की दाल में क्या क्या सामग्री पड़ेगी उसे मैं आपको अब दिखा रही हूँ। ये है 200 ग्राम चने की दाल जो कि मैंने 4-5 घंटे भिगा के रखा है। और ये है आधा चम्मच छोटी लाल मिर्च, और ये है साबुत जीरा आधा चम्मच, ये है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक है, और 2 चुटकी हींग है, ये 5-7 कली लहसुन मैंने काट के रखा है, और 4 साबुत लाल मिर्च है, और इसमें ये आयल है मैं 1 चम्मच डालूंगी। अब मैं चने की दाल का पराठा बनाने के लिए सामग्री कैसे तैयार करती हूँ उसे मैं आपको दिखा रही हूँ। कुकर रख दिया है गैस के ऊपर। अब 1 चम्मच में आयल डालूंगी, बस इसमें आयल बहुत कम पड़ता है। आयल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले मैं हींग डालूंगी और लहसुन और साबुत लाल मिर्च। अब तेल गर्म हो गया है, अब मैं हींग डालूंगी इसमें। देखिए हींग थोड़ा सा हो जाए फिर मैं साबुत जीरा डालूंगी, जरा सा चला दूंगी नहीं तो जलने का डर रहता है। इसमें तेल बहुत कम पड़ता है और बरसात के सीजन में चने का पराठा ज़्यादा खाया जाता है, और चने की दाल में प्रोटीन बहुत होती है, ये वैसे भी आपको बहुत फायदा करेगा। अब जीरा चटकने लगा, अब मैं लहसुन डालूंगी और साबुत लाऊंगी। अब इसमें मैं चने की दाल को डाल दूंगी। अब इसमें चने की दाल में 1 मिनट चला ली, इसके बाद इसमें मैं पहले हल्दी डालूंगी। हल्दी चला के फिर ये आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च रखा था मैंने वो डाला। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप और डाल सकते हैं। और ये है आधा चम्मच गरम मसाला, उसको भी मैं डालूंगी, और आधा ही चम्मच नमक रखा है स्वादानुसार, आप खटा और बढ़ा सकते हैं। आँच स्लो करके 1 से 2 मिनट भून लीजिए आप। थोड़ा भून लेने से मसाले की खुशबू और अच्छी आ जाती है। पानी डालने के बाद मैं अब इसमें ढक्कन लगाती हूँ। ढक्कन लगाने के बाद 1 सीटी आ जाएगी, फिर मैं उसको सिम पे 5 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद गैस बंद कर दूंगी। गैस बंद कर दूंगी जब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं खोल के फिर इसको पीसूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी पीस। अब मेरी दाल पक के तैयार हो गई है, अब मैं उसे कुकर खोल के चेक करती हूँ। देखिए दाल भी पक गई है और इसका पानी एकदम सूख गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ दाल पक गई है, ये देखिए गल के एकदम तैयार हो गई है। अब मैं इसकी पीठी तैयार करती हूँ। अब ये मेरी दाल की पीठी मैंने पीस के तैयार कर लिया है, देखिए इस तरह से एकदम दाल की पीठी तैयार हुई। अब इसमें मैं हरी धनिया मिलाऊँगी, थोड़ा सा काट के रखे थे। हरी मिर्च मैंने 2 काटा है। ये प्याज मैंने 1 काट के रखा है, अगर आप यूज़ करते हैं तो मिलाइए, अगर न इच्छा हो तो मत मिलाइए, लेकिन मैं मिलाऊंगी, इससे इसका स्वाद और बढ़ता है। अब 1 चुटकी मैं अजवाइन लेकर के हाथ से क्रश करके उसको मिलाऊंगी इस तरह,
अब इसको मैं सब आपस में इसको मिला देती हूँ हाथ से, जिससे बराबर से मिल जाए, मिल जाएगा तब मैं इसका पराठा बनाऊंगी। अब देखिए मेरी पीठी तैयार हो गई है। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज मिला करके सब एक साथ करके इस तरह से मैंने उसे रख लिया है। और आटे को मैंने 20 मिनट पहले नमक थोड़ा सा और थोड़ा सा घी डाल करके मोयंदी करके आटा गूंथ करके मैंने इस तरह से रख लिया था। और आटा गूंथने से पहले ये होता है कि आटा फूल जाता है और मुलायम बनता है इसका पराठा। अब मैं पहले थोड़ा सा लोई आटा की पेड़ा बनाने के लिए आटा ले लेता हूँ इस तरह से। हाथ में थोड़ा सूखा आटा लगा करके हम लोई तैयार करते हैं। अब इसमें थोड़ा सूखा आटा लगा के मैं हाथ से बनाती हूँ, और चाहे आप चकले बेलन पे भी बेल के इस तरह से बना सकते हैं। देखिए मैंने ये तैयार कर लिया है। और अगर आप इस तरह से हाथ से नहीं बनाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा इस तरह से बेल लीजिए। फिर आपको बनाने में आसानी होगी। फिर हमको इसको इस तरह से कर देंगे जिससे ये खुले ना। इसके मुंह पर का आटा मैं इसलिए निकाल देते हैं कि जिससे दाल एक जैसा रहे और मुंह पे आटा ज्यादा न रहे। इस तरह से देखिए सूखा आटा लगा के हाथ के सहारे से फिर मैं इसे हूँ, जिससे दाल बराबर हर जगह एक जैसा आपको लगेगा। अब मैं आपको बेल के दिखाती हूँ हल्के हाथों से। देखिए ना दाल निकलेगा ना आटा फटेगा। अब मैं पराठा, आप चाहे इससे बड़ा बना सकते हो। अब मैं इस पराठे को बना के दिखाती हूँ, सेक के दिखाती हूँ। पहले मैंने तवा रख दिया था गैस पे, पराठा मैंने इस तरह से रख दिया है। ऊपर हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, हल्का सा कड़ा पता चल जाता है कि पराठा तैयार है। तब मैं पलट के, आप चाहे इसके ऊपर तेल लगा सकते हैं या देसी घी, अपने इच्छा अनुसार है। अब मैं इसे पलट देती हूँ और फिर मैं थोड़ा इसमें ऑयल लगा लेती हूँ। आंच मैंने मीडियम ही रखा है, एक तरह का सिक जाएगा अच्छा सा नीचे का, फिर तब मैं इसको पलटूंगी। मैंने इसमें ऑयल लगाया है, आप चाहे इसे देसी घी से भी बना सकती हैं, देसी घी का और स्वादिष्ट होगा। अभी देखिए दूसरी तरफ हल्की सी चिट्टी पड़ गई है। अब मैं उसमें, अब देखिए पराठा फूलने लगा है। फूलने से और अच्छा हो जाएगा इसे बराबर से पका हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चित्तीदार मेरा पराठा बनकर तैयार हो गया, एकदम कुरकुरे। थोड़ा मैं इसे सिम पे कर दूंगी तो और ये खाने में खस्ता हो जाएगा। अब देखिए मैं दूसरा भी इसी तरह बना के डाल रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, आप थोड़ा सा चाहे देसी घी या मक्खन भी लगा सकते हैं। और मीडियम आंच पे रखिए, उसके बाद दोनों तरफ से देखिए सिक जाने पर अच्छा सा, फिर आप स्लो आंच पे करिए। देखिए पूरा ये देखिए ये फूल गया पूरा पराठा मेरा, आप देख रहे होंगे एकदम पराठा मेरा फूल गया है। मेरा पराठा देखिए फूलने के बाद बहुत अच्छा धीमी आंच पे मैं इसको सेक रही हूँ, ये बहुत कुरकुरा और स्वादिष्ट होगा। ये देखिए बन के करा है पराठा, ये देखिए अभी तक ये पराठा देखिए फूलने के बाद बहुत अच्छा धीमी आंच पे मैं इसको सेक रही हूँ, ये बहुत कुरकुरा और स्वादिष्ट होगा। ये देखिए बन के करा है।
ये देखिए अभी अब मैं ये भी पराठा इसी तरह से, देखिए मेरा पराठा अब बन करके तैयार हो गया है और बहुत स्वादिष्ट पराठा है। आप मक्खन रख के इसका स्वाद और बढ़ जाएगा और आप चटनी के साथ, रायते के साथ इसका आनंद लीजिए। और मेरा पराठा अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।